الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداعيا إلى منيرا تیری پرواز کے تو لوح قلم تک پہنچا, تیری پرواز کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری پرواز کے میں تیرے قدم تک پہنچا. حضرات, جناح لاہور کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت پاک کے نام پر منعقد کیا گیا ہے. آج کی محفل بڑی روحانی اور نورانی محفل ہے, جن احباب نے اس پاکیزہ اور مقدس محفل کے انعقاد میں کوشش کی ہے, میں انہیں تحسین اور تبریک پیش کرتا ہوں. سیرت پاک کی اس محفل میں ہم جتنی ساعات اور جتنے لمحات گزاریں گے انشاءاللہ وہ تمام لمحات ہمارے عبادت بن جائیں گے. عبادت نہیں, عبادت کی جان بن جائیں گے, عبادت کی روح بن جائیں گے. میرے بعد چونکہ آپ کے محبوب قائد انشاءاللہ پھولوں کی مہک لے کر, بلبل کی چہک لے کر,
सितारों की दमक लेकर, बिजली की चमक लेकर, शेर की गर्ज लेकर और चीते की लपक लेकर, किताब सुन्नत की पुकार लेकर, कुरान हदीस की ललकार लेकर और जमीयत अहले हदीस की जियाउल हक के लिए यलगार लेकर, मेरे बाद जो आने वाले हैं, मैं अपनी बात को बड़े इख्तिसार से आपके सामने रखूंगा। खामोश रहे। अभी अभी मैं जब गांवों के बस्ती से चला तो रास्ते में ये सोच रहा था कि आज मैं अपने पीर और मुर्शिद पैगंबर जमा सरवर कौनो मकां साहेब कुरान और माह दरख्शां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बाब से किस किस वर्क को उल्टू मैं सोच रहा था कि आज मैं अपने आका की विलादत बयान करूं, मुस्तफा की रजात बयान करूं, मैं अपने आका की शराफत बयान करूं, मुस्तफा की सआदत बयान करूं, पैगंबर की निजाबत बयान करूं, या आका की रिसालत बयान करूं, मुस्तफा की खिताबत बयान करूं, या आका की इमामत बयान करूं, पैगंबर की सदाकत बयान करूं, या आका की अदालत बयान करूं, मुस्तफा की सखावत बयान करूं, या पैगंबर की शुजात बयान करूं। अरे मैं सोच रहा था कि पैगंबर की अजमत बयान करो या मुस्तफा की फजीलत बयान करो। क्यों? जिस तरफ मेरी निगाह उठती है मैं आका अलैहि सलातो वस्सलाम को उस मैदान में तन्हा पाता हो और सारी कायनात से मुमताज पाता हूं। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफी ये आसिया गुजर गया और जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वही वही शहर हुई जहां जहां गुजर गया। मैं आज के इस खिताब में सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत से चार औराक की वर्गर्दानी करना चाहता हूं। एक है पैगंबर की सदाकत, एक है मेरे आका की इस्तेकामत, और कुर्बान जाऊं एक है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की जामियत और एक है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की
खातमियत। साहबों और किताब सुन्नत के परवानों, यूथ फोर्स के सहबाजों और जवानों, आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ना खुदा की तौहीद को मनवाया है, ना अपनी रिसालत को मनवाया है। अगर आमिना के लाल ने मनवाया है तो अपनी सदाकत को मनवाया है। सुन लीजिए, कोहे सफा पर आका चढ़ जाते हैं और फरमाते हैं कि फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन कबले अव्वला तअकिलू। मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल अपनी जिंदगी गुजारी है, बताओ तो सही कि तुमने मेरे लिबास पर, मेरे जिस्म पर कोई दाग और कोई दब्बा देखा हो? सारे यक जबान जवाब देते हैं। आका अलैहि सलाम पूछते हैं कि हल वजद तुमूनी सादिकन औ काज़िबा, क्या पाया है मुझे? तो जवाब आता है, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा जर्रबना का इल्ला सिदका, हमने जब भी आपको आजमाया ऐ मोहम्मद आपको सादिक और सच्चा पाया। मेरे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा था कि जब तक लोग मेरी सदाकत के सामने अपने दिलों को झुका नहीं देते, तब तक लोग अपने सरों को खुदा के सामने झुकाने पर तैयार नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी सदाकत को मनवाया। ये है मेरे आका, ये है मेरे मुर्शिद, ये है मेरा पीर, ये है मेरा मुता, ये है अहले हदीसों का मुक्तदा और ये है हमारा रहनुमा कि जिसने अपनी सदाकत का लोहा अग्यार से मनवाया। और आज हमारे भी लीडर हैं, हमारे भी कायद हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे बाजू लमाए किराम हैं और हमारे हुक्मरान हैं कि आका ने कभी झूठ बोला नहीं, इन्होंने कभी झूठ छोड़ा नहीं। एक आया था कि मैं 90 दिन के लिए आया। कितने के दिन के लिए? मैं 90 रोज के लिए आया हूं और इस्लाम के लिए आया हूं। बताओ इस्लाम आया है? बोलो तो सही, डर के बोलते हो, इस्लाम आया है? और अभी 90 रोज पूरे हुए हैं, इंशाल्लाह 90 साल तक पूरे नहीं होने देगा। एक ये है, एक वो है। सुन लीजिए, ये आका की सदाकत है, एक मेरे मुस्तफा की इस्तेकामत है।
मेरा तवज्जो फरमाइए, किसी तरफ से तूफान है, किसी तरफ से आंधियां उठती है, तलवारें लहराती हैं, नेज़े चमकते हैं, किसी तरफ से पत्थरों की बारिश है, किसी तरफ से गाली गलौज की आंधी है, और मेरे आका के सामने मेरे पैगंबर के वफादारों को तपती रेत पर लिटाया जा रहा है, लेकिन आका है कि कोहे हमाला मुस्तफा है, मजबूत चट्टान है कि दुनिया की कोई ताकत ना मेरे पैगंबर के पाए सबात में तजलजुल पैदा कर सकी है, ना पैगंबर को टकमगा सकी है, बल्कि आका तुम पैकरे सबर है, पैकरे तहम्मुल है, पैकरे हिलम है, और इस आयत की मुकम्मल तफसीर है कि इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह ثم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ثم استقاموا एक मुकाम पर फरमाया कुल आमंतु बिल्लाह सुम्मा इस्तकीम, जब उन्होंने देखा कि कोई धमकी कारगर साबित नहीं हुआ चाहती तो उन्होंने रुख बदला, उन्होंने रुख बदला, कहने लगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा अगर आप मालो मनाल चाहते हैं, और दो तरह से आजमाया जाता है, या धमकी देकर या लालच देकर, जब कामयाब ना हुए तो कहने लगे ऐ मोहम्मद, अब बुलंद आवाज़ से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालो मनाल चाहते हो और सोहरा जमाल तशीजा चाहते हो, कोई जागीर चाहते हो, तो हम देते हैं सुन लीजिए, और उन मुल्लाओं को खूब सुनना चाहिए जो ज़कात के टकों पर दिख जाते हैं, उसर के चंद दानों पर दिख जाते हैं, और ज़ियाउल हक का जाकर बूट पॉलिश करते हैं, उसके हाथों को बोसे देते हैं। सुन लीजिए, हमारे एक बुजुर्ग ने जो इसी लाहौर में रहता है, ज़ियाउल हक के हाथ चूम कर अब्दुल्ला रोपड़ी की रूह को तड़पा दिया है, अब्दुल्ला रोपड़ी की रूह को तड़पाया है, इस्माइल रोपड़ी की खिताबत को ललकारा है, और मोहम्मद हुसैन रोपड़ी की अजमत को तबाला है। तुम जाकर चूमा उसके हाथ, हम तोड़ेंगे उसके हाथ, हम तोड़ेंगे उसके, तुम उसके बूट साफ करो, हम उसे बूट दिखाएंगे, हम उसे बूट बूट दिखाएंगे इंशाअल्लाह। कहो कहता है मुनाजरा कर लो, मुनाजरा तो मेरे कमीरपुरी साहब करेंगे शरीयत बिल पे, शरीयत बिल पे ये मुनाजरा करेंगे, मैं भी मुनाजरा करूंगा एक बिल पे,
कि जनाब ये बताओ कि शरीयत में मस्जिद का तकद्दुस क्या है। मैं पूछूंगा कि शरीयत में मस्जिद के आदाब क्या है, मस्जिद का एहतराम क्या है। तुम शरीयत बिल पे मुनाजरा इनसे करो, शरीयत में मस्जिद के आदाब पर मुनाजरा मुझसे करो। ना मेरे मुस्तफा ने किसी की धमकी की परवाह की है, ना किसी के लालच की परवाह की है। सुनो ऐन हदीसों, आज तुम्हारी क़यादत जो है ये क़यादत ना किसी की धमकी से डरने वाली है, ना किसी के लालच में आने वाली है। एक है सदाकत और एक है इस्तेकामत। और सुन लीजिए, एक है मेरे पैगंबर की नबूवत की जामियत। क्या जामियत? कहां ले चलूं? गरीब के घर। कहां ले चलूं? अमीर के घर। कहां ले चलूं? गदा के घर। कहां ले चलूं? शाह के घर। कहां ले चलूं? सौदागर के घर। कहां ले चलूं? ताजिर के घर। कहां ले चलूं? खतीब के घर। कहां ले चलूं? इमाम के घर। कहां ले चलूं? यतीम के घर। कहां ले चलूं? मिस्कीन के घर। कहां ले चलूं? उस्ताद के घर। कहां ले चलूं? मैं मुदर्रिस के घर। कहां ले चलूं? सिपा सालार के घर। कहां ले चलूं? फातिहे के घर। और सुन लीजिए, जहां नजर उठेगी, जिस हिम्मत निगाह उठेगी, मेरे आका उसमें मुमताज नजर आएंगे। यतीम हो तो अब्दुल्ला के यतीम के पीछे चलो, अरे मिस्कीन हो मक्के के मिस्कीन के पीछे चलो। अगर इमाम हो मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे चलो। अगर तुम खतीब हो मिंबर नबवी के खतीब की सीरत को अपनाओ। अगर ताजिर हो खतीजा के ताजिर की सीरत को अपनाओ। और अगर जनरल हो बद्र हुनैन के जनरल की सीरत को अपनाओ। आवाज आती है वदायन इल्लल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। शर्माया ना करो, शर्माया करो तपलों से, शर्माया करो बाजों गाजों से। हुआ है तो जो मेरी तरफ, हुआ है ना होगा मुयस्सर किसी को, हुआ है ना होगा मुयस्सर किसी को। बुलंद इस कदर है मुकामे मोहम्मद, बुलंद इस कदर है मुकामे मोहम्मद। तुम अपने मुदस्सा में मुस्तफा को बुलाओ, अपने जुलूस में नबी को टांगे पर चढ़ाओ। और मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखा। तुम इसमें अदब समझते हो? हम पैगंबर के फरमान की पुकार देने को, किताब सुन्नत की ललकार देने को, और नबी पर दरूद पढ़ने को नबी की इज्जत समझते हैं। ये है आशिक रसूल। कहता है कि आका ने ख्वाब में फरमाया है मिनहाजुल कुरान मदरसा बनाओ, मैं तुम्हारे मदरसे में आऊंगा।
हमारे कामोकी के लोग आए हुए हैं। अखबार में बयान छपा था, ये नजर इनको आते हैं जिनको अपनी घरवाली नजर नहीं आती। नबी इनको नजर आते हैं जिनको अहलो याल नजर नहीं आते। वो कहने लगा कि मैं सोया हुआ था, आका तशरीफ लाए, एक तरफ सिद्दीक थे, दूसरी तरफ फारूक थे, तो मैंने पूछा आका कैसे आ रहे हैं, तो आका ने फरमाया मुल्तान में नूरानी की तकरीर सुनने आ रहा हूं। अल्लाह जुल जलाल की कसम है, अल्लाह जुल जलाल की कसम है, ये अखबारात में छपी है और कल के अखबारात को आज के अखबारात को आपने देखा है, पढ़ा है, सुन लिया है। एक पहले हमारी जान नहीं छूट रही थी, एक कहता था जनाब कि देवबंद की बुनियाद रखने आए थे, ये कहता है मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखने आएंगे, रखने बोलो रखने। मालूम हुआ कि पहले यहां बोलो, पहले यहां, और तेरी आज की बात झूठ है या पहली बात झूठ है? तू कहता है कि हर जगह हाजिर नाजिर है, अब कहता है मिन हाजुल कुरान में आएंगे। मालूम होता है जो आएंगे वो यहां नहीं है, वो यहां पहला झूठ है, पिछला झूठ है, मैं कहता हूं दोनों झूठ है, दोनों झूठ है। मेरे बाद चूंकि खतीब मिल्लत का खिताब आम है, इसलिए मैं अपने खिताब खास को यही सुनूंगा।